अस्सलाम वालेकुम। और आज आपको न्यू व्लॉग में आपको शामदीन कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गांव की चाय बन रही है। जो जब होती है गांव की चाय, मतलब जब गांव का जाते हैं गांव में, तो ज़्यादातर चाय ज़रूर बनती है, क्योंकि आज बारिश भी हुई थी। तो हम लोगों ने कहा कि बारिश में हम तो भीग जाएंगे, तो हम लोगों ने बारिश के टू व्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा कि बारिश का आज नहीं बनाते, आज हम गाँव का देसी माहौल बनाते हैं। और मड हाउस तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है, वैसे भी गांव का देखने को मन करता है जब शहर में रह रहे के जब बोर हो जाते हैं। संडे वाले दिन तो हर किसी को छुट्टी होती है, तो बच्चों को आप लेके टूर करवाने के लिए व्हील्स टूर करवाए करें, ताकि वो आगे जब वो उनको अच्छा लगे, बस संडे को नहीं, जब उनको छुट्टी होती है। जब भी मुझे तो सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, तो इसलिए मैं घूमने चली जाती हूँ मामा बाबा के साथ, व्लॉग बनाने चले जाती हूँ। तो वैसे व्लॉग का टाइम मुझे इस वक्त नहीं मिलता, वैसे जब मुझे स्कूल जाना, स्कूल पढ़ के ट्यूशन पढ़ के फिर मैं शाम को चली जाती हूँ, ऐसे भी करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइमिंग होनी चाहिए बच्चों की, ताकि वो आसानी से अपने काम कर पाए, तो उनको उनकी टाइमिंग बनाए, टाइम टेबल बनाए, जिससे वो अपने टाइम्स को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद उनका जो टाइम है वो खेलने कूदने, उनके सोने का, उनके खाने का, सारा कुछ टाइम एक ही टाइम में हो जाए। मतलब एक ही लाइन जो हमारे पांच वक्त होते हैं उनमें वो इजीली काम कर पाए। ये आप देख सकते हैं, ये ताज़ा ही साथ में एक खेत लगा हुआ है, वहाँ से लेके आए तोड़ के फलियाँ, और ये बहुत प्यारी है, देसी होती है ना, तो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। मेरी नानी जैसा मैं भी करूं। और ये गांव की जो देसी चाय होती है वो तैयार हो गई है, और खालिस दूध की तो अच्छी होती है, और साथ में ठंडे मौसम में पीने का एंजॉयमेंट भी होता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। वैसे ज़्यादा ठंडे मौसम में आता है, ऐसे खाली मौसम में नहीं, जो बिल्कुल गर्म गर्म हो ना, जिसके अंदर पसीना आ रहा है, तो उसमें नहीं पी सकते। उसमें सिर्फ ज़्यादा गर्मियों में मेरे बाबा पीते हैं, जो बाबा को बहुत पसंद है, और मम्मा तो कम से कम सर्दियों में पीती है, बस कभी कभार जब ठंडक होती है तभी पी लेती है, ज़्यादा नहीं पीती मम्मा, क्योंकि मम्मा को नहीं अच्छी लगती ज़्यादा। और मुझे तो वैसे ज़्यादा ही अच्छी लगती है बाबा, जब बाबा ज़्यादा पीते हैं तो मैं भी ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है थोड़ी सी। मुर्गियाँ आ रही थी।
आपके नीचे भी जाएगी। उन्होंने रखे थे तंदूरी की रोटी बनाने के लिए, और ये देख सकते हैं पास में मुर्गियां भी आ रही है। और साथ में बताती जाऊं, ये यहाँ पे हम घूम रहे हैं। ये अब घूमने लगे, और ये प्यारी प्यारी जो है ना, ये भी आ रही है। इनको मम्मा आटा दे रही है ताकि खाएं। तो ये बहुत प्यारा लग रहा सीन, इधर आटा गूंज रहा है, वहाँ पे मुर्गी आटा खा रही है। तो सबको बताती जो मम्मा अब आटा गूंज रही है। और साथ में ये गांव में अच्छा लगता है जब आटा चौकी पे बैठ के आलस गंदम का आटा, अगर खेत का हो, अगर जो शहरी होती है ज़्यादा अच्छा लगता है, पर गांव का ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा खालिस भी होता है। तो खालिस होने की वजह से फिर जब खाते हैं तो उसके अंदर ना सेहत भी आती है, बहुत ज़्यादा सेहत। और सेहत आने की वजह से हम लोग भी बहुत ज़्यादा ना एनर्जी हमें आती है। ये देख सकते हैं आप ऊपर आसमान को, कैसे एक आसमान नहीं, एक बहुत प्यारा एक कलरफुल की पेंटिंग लग रही है। सब पेंटिंग की हुई है कलरफुल, सो यहाँ पे साइड पे लगा हुआ है, एक जैसे वाइट है, थोड़ा सा काला है, थोड़ा सा स्काई ब्लू है, थोड़ा सा वाइट है, थोड़ा सा वो डार्क ब्लू है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, यही तो असल नेचर होता है, यही तो नेचर होता है। तो मैं नेचर को बहुत लव करती हूँ, मुझे नेचर बहुत पसंद है। जैसे कि नेचर होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो मैं जब भी नेचर को देखती हूँ कहती हूँ मुझे नेचर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। Thank you.
Oh, wait, wait.